सो है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो भाई लोग, आई होप सभी मस्ती में होंगे। तो आज हम चलने वाले मरीन ड्राइव, और मरीन ड्राइव का डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्स 25 किलोमीटर है। और अभी हम हैं रामासिस चौक, जस्ट ऊपर वाले ओवरब्रिज से हमें चलना है अंजान ब्रिज होते हुए सोनपुर ओवरब्रिज, और वहाँ से फिर लालू चौक चलेंगे, और वहाँ से फिर दीघा की ओर निकलेंगे। और ये NH मैं बताऊँ तो ये सीधा चला जाता है भाई पटना की ओर, और आगे जाके पासवान चौक से यदि आप लेफ़्ट लेते हो तो जिंदा की ओर चला जाएगा, और ये सीधा चला जाएगा अनजान पीर चौक होते हुए सोनपुर ओवरब्रिज पे। और मैं बताऊँ तो दिग्घा जाने का भाई दो रास्ते हैं, एक तो आप ये अनजान पीर होते जाओ, और एक दूसरा है आप जोहड़ी बाज़ार होते जाओ। तो जोहड़ी बाज़ार का सीन वहाँ पर ऐसा है ना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो अपन उसके लिए उस साइड से नहीं गए हैं। और इस साइड से जाने का फ़ायदा है कि आप ट्रैफिक में कहीं पे भी नहीं फंसोगे। हाँ थोड़ा मोड़ा ओवरब्रिज पे रहता है, बट वहाँ से भी आप बाइक सरप पेल के निकाल लोगे। और शाम के बज रहे हैं 6:30, तो भाई थोड़ा अंधेरा होने का भी डर है, और सामने का मौसम देखो कितना ओपी लग रहा है ना, साइड में सनसेट और अपना बाइक बीच में, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो आपसे मिलते हैं सीधा सोनपुर ओवरब्रिज पे। और ये तो अंजनपीर चौक नीचे जस्ट है, अब बनाया था फ्लाई ओवर से तो पता नहीं चला। तो आपसे मिलते हैं सीधा सोनपुर ओवरब्रिज पे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लालू चौक, जस्ट पीछे अपन सोनपुर पुल पार हुए थे, और अंधेरा तो अभी हो गया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मरीन ड्राइव पहुंचते काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। तो अभी भी यहां से अप्रॉक्स काफ़ी दूर है, मैं डिस्टेंस नहीं बता सकता। और यहां से लेफ्ट चला जाता है भाई हरियरनाथ, इसी साइड है, तो मैं यहाँ का डिस्टेंस नहीं बता सकता यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है, बट मेरे अनुभव से भाई अभी भी 10-12 किलोमीटर है। और अभी हम पहुँच चुके हैं बजरंग चौक, तब चलते हैं सीधा, मिलते हैं आपसे दिघा ओवरब्रिज पे। तो गाइस फाइनली हम एंटर हो चुके हैं दिघा ओवरब्रिज, और यहाँ से जस्ट आगे भी दिखेगा थोड़ा सा आगे चलने के बाद, वहाँ से मतलब ऊपर से सीन दिखता है मरीन ड्राइव का, बट यहाँ से तो अभी काफ़ी दूर लग रहा है। और आप लेफ्ट साइड में देखो तो जो जितना भी लाइट बढ़ रहा है ना आगे, सब मरीन ड्राइव का ही है। तो मौसम तो भाई काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ से, और क्या बताऊँ मौसम का भाई, काफ़ी मस्त लग रहा है। बस बाइक भगाते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे आगे। तो भाई साहब अभी सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ ना, मैं पीछे रुका था थंबनेल के लिए, एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और मैं जो भी कैमरा यूज कर रहा हूँ Insta360 वन आर, इसका भाई नाइट विजन काफ़ी ख़राब है। तो मैं फ़ोन भी लेके नहीं आया कि मैं थंबनेल के लिए एक फ़ोटो ले सकूँ, बट जो भी है वीडियो में ही कुछ एक तो अच्छा सा ले लेंगे थंबनेल के लिए। तो भाई प्राइस वाइज देखा जाए ना, तो भाई नाइट मतलब सुबह के लिए ब्लॉगिंग करने के लिए तो काफ़ी मस्त है, बट नाइट के लिए भाई काफ़ी दिक्कत होता है, सीन बहुत क्रिएट होता है, और जितना फ़ोटो चाहिए ना क्लियर उतना नाइट में नहीं आ पाता है। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं मरीन ड्राइव से थोड़ा सा पीछे ही है, और यहां से ही भाई पूरा मतलब भीड़ स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आप जस्ट आगे शायद दिख रहा होगा या नहीं मुझे पता नहीं, बट ये बीच में नीचे से चला जाता है, नीचे से एक हाईवे है ठीक है, बीच में रेल चलता है, फिर ऊपर से हाईवे है, तो ये देखने में भाई काफ़ी शानदार लगता है देखने में को, और ये मतलब क्या बताऊँ बहुत मस्त लग रहा है, मेरे पास वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए, बहुत मस्त लग रहा है अभी। और ऊपर से नाइट का टाइम है, और साइड में देखो भाई अपन पूरा फुल एंटर हो चुके हैं मरीन ड्राइव, यही है मरीन ड्राइव, और साइड में देख लो कितना भीड़ है, मुझे पता नहीं क्या देखने आए हैं ये लोग, बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा है।
तो गाइस यदि आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे देखने को क्या चीज़ है, तो भाई यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चारों तरफ बस रोड है और साइड साइड में गंगा जी बहती है। बस यही है, यही सब देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। और बाइक वाइक शॉर्ट शॉर्ट्स चाहिए या वीडियो यूट्यूब वीडियो के लिए या इंस्टा रील्स बनाने के लिए, भाई काफ़ी मस्त है। पूरा हाईवे और बहुत दूर तक ये हाईवे पूरा क्लीन है और पूरा मस्त बना रखा है। तो यही सब शायद देखने आते होंगे, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है, तो मुझे जितना पता है उतना मैं बताया। वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे देखने फिरने को। यदि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गंगा आरती होता होगा, तो वो भी यहाँ पे नहीं होता है। बस यही सब है, यहाँ पे घूमने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके पास यदि गर्लफ्रेंड है तो आप आ सकते हो, बिल्कुल निफिक्र, क्योंकि यहाँ पे इंजॉय करने के लिए काफ़ी जगह है और काफ़ी खाली भी जगह है, आप इंजॉय कर सकते हो फुल। तो मैं बाइक रेल के चलाता हूँ, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, तो चलते सीधा मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस आप चलते हैं सीधा घर, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं अपन, नाइट तो हो ही चुका है भाई, और जाने में भी भाई अपन को 1 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ से लेते हैं यू टर्न, ठीक है, और चलते हैं सीधा घर, मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस जस्ट आगे देखो एनएस वाले को, गजब रेल मचा रखा भाई ने, मतलब पीछे से भाई पूरा साफ बना रखा था बाइक को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे यदि नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि भाई नाइट तो ऑलरेडी हो चुका है और वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सीधा अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।